नमस्कार, मैं पिंकी सहगल आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मोदी सरकार ने साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी, जिसमें अब कुछ बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। ये बदलाव क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप भी अपनी लाडली के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक शानदार निवेश ऑप्शन है। इस स्कीम को केंद्र सरकार की तरफ से खास तौर पर बच्चियों के लिए बनाया गया है। बच्ची 21 साल की उम्र में लखपति बन जाएगी। ये एक सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम है जो बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी के लिए मोटा फंड जुटाने में मदद करेगी। चलिए बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स पर। बैंक FD से ज़्यादा देता है रिटर्न। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेशकों को 7.6% का रिटर्न मिलता है, जो ज़्यादातर बैंक FD से बेहतर है। ज़्यादातर बैंक लंबे टाइम पीरियड की FD पर 6% तक का ब्याज ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में इसमें निवेश पर आप बच्ची के 21 साल के होने पर 65 लाख रुपए तक का फंड जुटा सकते हैं। इस योजना का फ़ायदा समाज के हर वर्ग को मिल सके और बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बन सके, इसके लिए सरकार ने इस योजना में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब 3 बेटियों के लिए कर पाएंगे निवेश। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बाद अब माता पिता अपनी 3 बेटियों के लिए इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। नियमों के अनुसार पहले बस 2 बेटियों के लिए आप इस स्कीम में निवेश कर सकते थे, लेकिन अब आप 3 बेटियों के लिए भी इसका फ़ायदा ले पा सकते हैं। अगर आपको दूसरी बार में 2 जुड़वा बेटियां भी होती हैं तो आप तीसरी बेटी के नाम पर भी इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। मिलता है टैक्स छूट का लाभ। इस योजना में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। पहले माता पिता बस 2 बेटियों के निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स छूट का दावा कर सकते थे, लेकिन अब आप तीसरी बच्ची के लिए भी निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप कम से कम 250 रुपए सालाना और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक एक वित्त वर्ष में निवेश कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट खाते पर भी मिलेगा ब्याज। इसके साथ ही जो लोग एक साल में योजना में कम से कम 250 रुपए नहीं निवेश करते हैं, उनके खाते को डिफ़ॉल्ट माना जाता है। पहले ऐसे खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था, लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद डिफ़ॉल्ट खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। खाता बंद करने के नियम में बदलाव। बता दें कि पहले इस योजना के तहत अगर बच्ची की मृत्यु हो जाने पर खाता बंद करने की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अगर किसी खाता धारक को जानलेवा बीमारी हो जाती है तो वो खाते से पैसे निकाल सकता है। वहीं माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी आपको खाता बंद करने की सुविधा मिलती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।